ब्रेकफास्ट बनवा दिया है, खाना होगा तो सलमा को बुला लीजिएगा। डैड कैसे हैं? ठीक हैं, अपने रूम में हैं। ओके। आपको याद है ना कि कल क्या हुआ था घर में? कैसे भूल सकता, भूलना भी नहीं चाहिए। असद भाई की वजह से कंपनी को जो नुकसान हुआ है वो दोबारा ना, इसके लिए आपको कंपनी में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, वरना तो वकार अंकल जिस तरह से भरोसा करते हैं उन पर, मुझे तो लगता है हम हाथ मलते रह जाएंगे और वो कंपनी पे कब्जा कर लेंगे। तो क्या तुम्हें भी यही लगता है कि मैं बिजनेस संभालने के काबिल नहीं हूं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट मुझे भरोसा है आप पर, और मैं ये भी जानती हूँ कि बिजनेस को लेकर आप कितना डेडिकेट हैं। बात सिर्फ इतनी है, बाकियों को सब वही नजर आता है जो दिखाया जाता है। आपको भी दिखाना पड़ेगा कि आप भी उतनी ही मेहनत करते हैं कंपनी में जितनी असद भाई करते हैं। इट ब्रेक्स माई हार्ट। अफसोस होता है मुझे ये सोच के कि जिंदगी भर मैंने असद भाई जैसे शख्स को अपना आइडियल माना, हमेशा कदम से कदम मिलाकर चला उनके साथ। फिर चाहे भाई आपके कदमों के नीचे से जमीन खींच लें, मैं कुछ गलत नहीं कह रही हूँ जुहेब। लोगों को रंग बदलते देखा, और पहले बात और थी, वकार अंकल खुद बिजनेस संभालते थे, और अब जो नफा नुकसान की बात होती है असद भाई खुद ही हैंडल कर लेते हैं। आपसे क्यों नहीं कहते कि आप भी अपना फैसला रखें, आप भी अपनी राय बताएं उन्हें? आप भी तो बराबर के हिस्सेदार हैं ना, आप भी उतनी ही मेहनत करते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि जो बाप अपनी औलाद के लिए सोचता है ना, वो कोई और नहीं सोच सकता, चाहे वो आपका भाई क्यों ना हो। आगे आपकी मर्जी है,